रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव टाइगर सफारी में हो रही बाघों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा है कि इस बात की विस्तृत जांच होनी चाहिए कि आखिर बाघों की मौत का कारण क्या है। इस दौरान उनके द्वारा कई तरह की आशंकाएं भी जताई गईं। उन्होंने कहा कि उन बंदियों की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया है, जिसमें वेटनरी डॉक्टरों सहित कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। दो साल पहले खुला भारत का और विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी, जिसको नाम दिया गया महाराजा मार्तंड सिंह सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी, बड़ी उम्मीद बड़ी आशा हर क्षेत्र में लेकर आया था। इससे बहुत सारी उम्मीदें जो जुड़ी थी पर्यटन के क्षेत्र में, इससे जुड़ी थी पर्यावरण के जगत में, इससे जुड़ी थी पूरे इस रीजन को भारत के ही नहीं अपेक्षा पूरे विश्व के मंच पर ले जाकर खड़ा करने की। उन आशाओं पर कहीं ना कहीं विगत कुछ महीनों से अजीबोगरीब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पहले इसके पहले जिन चीजों का उल्लेख मैंने बहुत पहले करा था बनने के पहले भी, कि जिस जगह पर बन रहा है वो डेल्टा क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का, यहाँ झिरन बहुत होगी, जमीन के खिसकने के बहुत चांसेस हैं, फ्लड्स के कारण काफी उस पार्क का जो टुकड़ा है वो प्रभावित भी हुआ। लेकिन विगत कुछ महीनों में जो बाघों की मृत्यु होना शुरू हुई है उस पर एक बहुत अजीबोगरीब चिंता जो व्यक्त हुई है, और एक पर्यावरण विशेषज्ञ की हैसियत से मैंने इस बात को उठाया है। 13-14 वर्ष मैं मध्य प्रदेश सरकार के वन सलाहकार मंडल का सदस्य रहा हूं। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ में मैंने काम किया है। उसके बाद स्वर्गीय अटल जी के माध्यम से मैं भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर रहा, और लगभग 7 साल अटल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मैंने उसमें काम किया। मेरे थोड़े बहुत जो अनुभव हैं, थोड़े बहुत जो मेरे प्रयास रहे हैं वन को समझने के लिए या बाघों को समझने के लिए, उनको लेकर मैंने एक पत्र माननीय शिवराज सिंह जी को लिखा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, और मैंने समय समय पर जो सुझाव दिए थे शायद अगर उन सुझावों पर कुछ अमलीकरण होता तो हमको ऐसे दुर्दिन न देखने पड़ते। आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 7-8 दिन पहले सफेद बाघ गोपी, उसकी मृत्यु हुई। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र, जो हमारे वहां के जो पेंच नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है जो तड़ोबा तक जाता है महाराष्ट्र में, वहां से एक बाघ लाया गया था, नकुल उसका नाम था, पीला बाघ, तो उसको भी यहां रखा गया था, उसकी भी डेथ हो गई। मैंने जो संभावनाएं पहले भी व्यक्त करी थी वो अभी भी कर रहा हूं, और इस पत्र के माध्यम से मैंने लिखा भी है, जिसमें मैंने कहा है कि वहां पर बाघों का विशेषज्ञ वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। जब हम इतना बड़ा विश्वव्यापी स्तर पर एक जू बनाते हैं और उसकी कल्पना करते हैं,